हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी को कंट्रोल कौन करेगा, यानी जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे जीएसटी के वो कौन बनाएगा, कौन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी चीज़ों को गवर्न करेगा, यानी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो जीएसटी को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसा हम सब ने पहले पढ़ा भी है और डिस्कस किया था कि जब भी जीएसटी लगता है तो वहाँ पर हम सीजीएसटी देते हैं, एसजीएसटी देते हैं और आईजीएसटी भी देते हैं। हमने बात की थी कि जो सीजीएसटी है और आईजीएसटी है, ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो आपका एसजीएसटी है वो जुड़ा हुआ है आपका स्टेट गवर्नमेंट से। क्योंकि ये दोनों ही सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो दोनों पर ही सीजीएसटी क्या करती है, एडमिनिस्टर करने का काम करती है। यानी जो हम सेंट्रल जीएसटी के लिए जो एडमिनिस्टर बनाएंगे, जो आपके ऑफिसर्स होंगे, वही आपके आईजीएसटी को भी रेगुलेट करते हैं। और जो बात रही हमारी एसजीएसटी की, वो स्टेट गवर्नमेंट यानी एसजीएसटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो उसके लिए वर्क करेंगे। इन दोनों का ही इंचार्ज के रूप में हमारी काम करती है सीबीईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर बनाया गया है। ये क्या होता है, ये पूरे जीएसटी के रेगुलेशन का क्या है, इंचार्ज है। और अब डिसाइड किया गया है कि इसका नेम बदल के क्या कर दिया जाए, सीबीआईसी कर दिया जाए, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये प्रपोज है, अभी चेंज नहीं हुआ है। ये क्या काम करेगा, इन सब के इंचार्ज के रूप में काम करेगा। और एक हमने पहले जीएसटी की काउंसिल की बात की थी, जो वो जीएसटीसी थी हमारी, जीएसटी काउंसिल, वो क्या करेगी, पॉलिसीज़ बनाने का काम करेगी, यानी वो गाइडलाइंस को सजेस्ट करेगी। हमने पहले बात भी की थी कि कौन कौन सी गाइडलाइंस आपकी जीएसटी सजेस्ट करती है, तो वो सारी गाइडलाइंस की, क्या थ्रेशहोल्ड लिमिट होनी चाहिए, क्या रेट्स होनी चाहिए, उन रिगार्डिंग गाइडलाइन देगी आपकी जीएसटीसी। यानी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीजीएसटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा है, एसजीएसटी के अंदर कैसा है, आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के पास क्या पावर है, और हमारी क्या है, जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसकी पावर्स वैसे हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, यानी कौन कौन से पर्सनल जो होंगे इन्वॉल्व होंगे किसमें, जीएसटी में। जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हम जीएसटी पे करते हुए एसजीएसटी भी देते हैं और सीजीएसटी भी, यानी कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, तो कंट्रोलिंग पावर भी दोनों के ही हाथ में है, हमारी स्टेट के पास भी है और सेंटर के पास भी है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी, और दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर एसजीएसटी। पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीजीएसटी के बारे में बात करेंगे कि सीजीएसटी के अंदर कौन कौन से पर्सन होंगे। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा सीजीएसटी का, उसके अंदर हमारे क्या होंगे, तीन लेवल होंगे। सबसे ऊपर जो हमारी काम करती है वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या होगी, सबसे टॉप लेवल पर एडमिनिस्टर करेगी, यानी सबसे टॉप लेवल पर जो कंट्रोल होगा वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का होगा, किसके लिए, सीजीएसटी के लिए भी और आईजीएसटी के लिए भी। इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो काम करेंगे, देखो टॉप लेवल पर जो हमारी सबसे ऊपर है
जब हम बात कर रहे हैं CGST के कंट्रोलिंग पावर की, तो सबसे टॉप पर है हमारी कंट्रोलिंग पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में। उसके नीचे जो हमारी काम करेगी वो है हमारी CBEC। क्या बात की थी, क्या है ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसको हम क्या बदलने की सोच रहे हैं, इन CBIC। अभी बात करेंगे ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं। एंड इसके नीचे हमारे काम करेंगे ऑफिसर्स CGST एक्ट के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो हमें क्लियर है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, टॉप लेवल पर एडमिनिस्ट्रेट करेगी हमारे CGST और IGST को। फिर हमारी बात है CBEC की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की। इसके बारे में हमने इतनी तो बात की कर ली थी कि ये क्या है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है 1963। जो ये मिनिस्ट्री है, सॉरी जो ये बोर्ड है, इसका काम क्या है कि जो भी आपका CGST का लॉ है, यानी CGST से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन जो कानून बना हुआ है, उसको एडमिनिस्टर करेगी हमारी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट के अंदर बना हुआ ये बोर्ड। यानी ये जो बोर्ड है हमारा CBEC, ये CGST लॉ को एडमिनिस्टर करने का काम करेगा, और इसको बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर। जो हमारी CBEC है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है, जिसमें एक ऊपर चेयरपर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन। सबसे ऊपर इसमें चेयरमैन होता है, और सिक्स या सेवन जो होते हैं मेंबर्स होते हैं जो इस चेयरमैन के अंडर वर्क करते हैं, जिनका काम होता है जैसे हमने बात की CGST लॉ को एडमिनिस्टर करने का। ठीक है, तो हमारा CBEC क्या है, CBEC एक बोर्ड है जो हमारे CGST लॉ को क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। ये हमारे गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट के अंदर बनाया गया है। इसमें जो ये चेयरमैन है और इसके अंडर काम करने वाले 6-7 मेंबर हैं, वो सारे मिलकर सारा काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर्स ऑफ CGST एक्ट। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट यानी एक टाइप से लगा लो जो गवर्नमेंट की मैगज़ीन है, उसमें नोटिफिकेशन पास करके उतने ही क्लासेस के ऑफिसर को CGST एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए अपॉइंट कर सकती है, जितने उसे सही लगते हैं। बट मेनली जो आपके CGST एक्ट हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए 9 ऑफिसर्स हैं जिन्हें क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर जो आपका काम करता है वो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ये होगा हमारा इस किसका, जो ऑफिसर हैं CGST एक्ट के, उसका टॉप ऑफिशियल सबसे ऊपर जो होगा हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होगा, जिसे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ किसके, सेंट्रल टैक्स का, यानी CGST का। जो हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होगा, इसको ए लिखते हैं, क्योंकि जो आपका CGST एक्ट के ऑफिसर हैं वो Section 3 में डिफाइन है, और ये क्या है, सब सेक्शन है हमारे, क्लोज हैं कि Section 3 के ए क्लोज में आपका जो ऑफिसर डिफाइन है वो है आपका प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। उसके नीचे जो हमारा काम करेगा वो करेगा हमारा चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, या आप बोल सकते हो डायरेक्टर जनरल। यानी आप जहाँ पर भी मैं बात कर रही हूँ ये चीफ कमिश्नर की या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की, यहाँ पर आप डायरेक्टर टर्म को भी यूज़ कर सकते हो। देखो, ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर था और ये खाली चीफ कमिश्नर है, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट जो इसके अंडर काम करेगा
वो होगा हमारा प्रिंसिपल कमिश्नर। सबसे ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर उसके नीचे चीफ कमिश्नर, उसके नीचे प्रिंसिपल कमिश्नर, जिसे आप क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायरेक्टर भी बोल सकते हो। उसके नीचे जो हमारा काम करेगा वो होगा कमिश्नर या फिर डायरेक्टर। इस कमिश्नर के नीचे जो हमारा काम करेगा वो होगा हमारा एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर। इस एडिशनल कमिश्नर के नीचे जो काम करेगा वो होगा हमारा जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर, एंड डिप्टी कमिश्नर के नीचे काम करेगा हमारा असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट डायरेक्टर। देखो, सबसे ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कितने हो गए हमारे 8 हो गए। एंड 9th पे हैं हमारे वो सारे ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि CGST एक्ट के लिए, के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, उन पर्संस को वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। दो बार रीड करोगे लर्न हो जाएंगे, पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर सिर्फ प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड एनी अदर ऑफिसर जो CGST एक्ट के अंदर ज़रूरी लगता है, उसे क्या करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास कर अपॉइंट कर सकती है। हमारी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारे इंडिया में क्या करती है, वो पूरा जो इंडिया है उसे डिवीजन्स में डिवाइड कर देती है, कि क्या कर देती है, पहले जोन्स बना देती है, फिर जोन्स के अंदर कमिश्नरेट बना देती है, यानी ज्योग्राफिकल वाइज डिवीज़न कर देती है, फिर उनके अंदर डिवीजन्स बना देती है एंड देन रेंजेस बना देती है। जो आपके जोन्स होते हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेट करने का काम होता है, वो होता है आपके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का, चीफ कमिश्नर का और चीफ कमिश्नर का, यानी जो हमारे सबसे टॉप लेवल से प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ये दोनों करेंगे एडमिनिस्टर आपके जोन्स को। उनके नीचे जो कमिश्नरेट बनाए गए हैं उनको एडमिनिस्टर करेंगे आपके प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर, यानी कमिश्नरेट को जो एडमिनिस्टर करेंगे वो ये दो ऑफिसर होंगे। फिर जो डिवीज़न बनाई गई हैं, जो आपके एडिशनल हैं, डिप्टी हैं, ये सारे जो मैनेज करेंगे वो करेंगे आपके डिवीजन्स को, और उसके नीचे रेंजेस बना दी जाती हैं जिनको मैनेज करने का काम हमारे बाकी ऑफिसर्स करते हैं। तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किसका, CGST का, कि सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, उसके नीचे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम काम करेगा और उसके नीचे ऑफिसर्स काम करेंगे। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो दोनों को मैनेज करेगा। फिर जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, जिसको CBIC में कन्वर्ट करने की सोचा जा रहा है, वो क्या करेगा, CGST लॉ को एडमिनिस्टर करेगा। देन हमारे ऑफिसर्स होंगे CGST एक्ट के, वो ऑफिसर्स हमने बात की कि ये 9 ऑफिसर्स होंगे जिन्हें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी CGST को एडमिनिस्टर करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर CGST। जैसे हमने बनाई थी एक ऑफिसर की टीम CGST के लिए, वैसे ही SGST के लिए बनेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है GST को अच्छे से, यानी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो कुछ लोग तो रखने पड़ेंगे जो सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखें, सारी चीज़ें काम करें। तो जैसे हमने SGST के लिए किया था वैसे ही, सॉरी, जैसे CGST के लिए किया था वैसे ही SGST के लिए करेंगे। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन सेटअप होगा, यहाँ पर भी आपकी सबसे ऊपर काम करेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम कर रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी जो सेंट्रल लेवल पर फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो काम कर रही थी, जबकि यहाँ पर जो काम करेगी वो रिस्पेक्टिव स्टेट की करेगी, क्योंकि CGST है, यानी हर
स्टेट का अलग अलग एक्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो रिस्पेक्टिव स्टेट है, यानी मान लो अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जो हरियाणा की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सबसे ऊपर काम करेगी आपके SGST के लिए। उनके नीचे हमारे काम करेंगे ऑफिसर्स। यहाँ पर दो ही लेवल हैं, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड देन ऑफिसर्स की टीम। वो ऑफिसर कौन कौन से होंगे, वहाँ पर आपके ऑफिसर थे 9, यहाँ पर जो ऑफिसर होंगे वो होंगे 7। सबसे ऊपर जो हमारा काम करेगा वो करेगा यहाँ पर कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ SGST। कमिश्नर के नीचे हमारा काम करेगा स्पेशल कमिश्नर ऑफ SGST। स्पेशल कमिश्नर के नीचे हमारा काम करेगा एडिशनल कमिश्नर, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ऑफ SGST। इसके नीचे जॉइंट कमिश्नर ऑफ SGST, देन डिप्टी कमिश्नर, देन असिस्टेंट कमिश्नर, एंड लास्ट में वो सारे ऑफिसर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी लगते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट के लिए, वो अपॉइंट कर सकती है। कौन कौन से 7 ऑफिसर्स होंगे यहाँ पर, सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी स्टेट की, फिर ऑफिसर्स होंगे, वो 7 ऑफिसर में सबसे ऊपर कमिश्नर, देन स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड सच अदर ऑफिसर्स एज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी नीड लगती है उन्हें वो अपॉइंट कर सकती है। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर CGST एंड SGST। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर CGST, यानी हमने जो बात की CGST के अंदर इतने सारे ऑफिसर काम करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। जो अपॉइंटमेंट है CGST के ऑफिसर्स की वो हमारी डिफाइन है Section 4 में। इसके अकॉर्डिंग, Section 4 के अकॉर्डिंग, एक तो जो हमारी अपॉइंटमेंट हो सकती है वो है बाय बोर्ड एंड सेकंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। जो हमारा बोर्ड है वो डिफाइन है Section 4 Subsection 1 के अंदर और ऑथराइज पर्सन Section 4 Subsection 2 के अंदर। ये हमारा Section 4 का Subsection 1 क्या कहता है कि जो हमारे CBEC है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है जिसे CBIC में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, इस बोर्ड के पास पावर है, क्या पावर है कि जितने भी ऑफिसर स्पेसिफाइड हैं Section 3 के अंदर, हमने बात की थी कि जितने भी CGST एक्ट के अंदर ये ऑफिसर्स थे, जितने भी हम बात कर रहे थे, ये सारे Section 3 के अंदर डिफाइन थे। तो ये जो हमारा Section 4 का Subclause 1 है वो क्या बोलता है कि हमारे जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उसके पास पावर है कि जितने भी ऑफिसर डिफाइन है Section 3 में वो उनको अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ साथ सच अदर ऑफिसर जो उसे डीम फिट, उसे मतलब उसे सही लगते हैं, उन्हें भी वो अपॉइंट कर सकता है। कौन? हमारा CBEC, डीम्स फिट। फिर है हमारा ऑथराइज पर्सन। जो हमारा Section 4 का Subsection 2 है वो क्या बोलता है कि जो आपका बोर्ड है यानी जो हमारा CBEC है वो किसी और पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है, क्या, ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए। वो किसे ऑथराइज कर सकता है कि जितने भी हमारे 3A से लेके 3H तक ऑफिसर डिफाइन थे, यानी जो हमारे ये ऑफिसर्स थे 3A से लेके 3H तक के, यानी जो टॉप 8 थे, एनी अदर ऑफिसर हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी के जो हमारे 8 क्लास डिफाइन हैं उन्हें CBEC क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि वो क्या करें, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। बट वो ऑथराइजेशन किसके लिए दे सकता है, फिर जो सिर्फ जो हमारे 9th टाइप था ना, जो हमारा F टाइप था जहाँ पर हमने लिखा था
कि एनी अदर ऑफिसर, यानी कोई और ऑफिसर अगर ज़रूरी लगता है उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। सिर्फ उनके रिगार्डिंग आपका बोर्ड क्या कर सकता है, इन पर्सन्स को जो इन यहाँ तक एच तक डिफाइन थे यानी असिस्टेंट कमिश्नर तक के पर्सन को पावर दे सकता है कि वो क्या करे, अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी बोर्ड आपका ऑथराइज कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है किन ऑफिसर्स को, सेक्शन 3A से लेके 3H तक वालों को, कि वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं किसे, ऑफिसर्स जो अंडर काम करेंगे किसके, आपके असिस्टेंट कमिश्नर यानी जो एच वाला था उसके अंडर काम करने वाले ऑफिसर हैं उनमें से किसी ऑफिसर को ये लोग क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते। तो हमारी अपॉइंटमेंट CGST के अंदर दो पार्टीज कर सकती हैं, एक बोर्ड और दूसरा बोर्ड के द्वारा ऑथराइज पर्सन। देखो ये तो वो पर्सन्स थे जिन्हें क्या किया गया, CGST एक्ट के अंदर क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। बट कुछ पर्सन्स ऐसे भी होंगे कि जब हमारा GST आया उससे पहले हमारा क्या चल रही थी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे कर रहे थे, तो जो हमारा सेंट्रल एक्साइज एक्ट उस टाइम चलता था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, उसके अंडर भी कुछ पर्सन अपॉइंट हुए होंगे, तो उनके पास उनकी पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, वो क्या मान लिए जाएंगे कि जब भी कोई पर्सन, अगर कोई भी पर्सन GST के आने से पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंडर अगर कोई ऑफिसर था तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, CGST एक्ट के अंदर बनाया गया ऑफिसर है। यानी जो भी GST के आने से पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट का ऑफिसर था उसे मान लिया गया जाएगा कि उस वो CGST एक्ट के अंदर अपॉइंट हुआ है और उसके ऊपर वही पावर्स अप्लाई होंगी, वही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि आपकी CGST एक्ट के अंदर अपॉइंट किसी भी ऑफिसर की होती है। यानी जो पोजीशन है सेंट्रल एक्साइज एक्ट की वो डीम्ड कर ली जाएगी, मान ली जाएगी टू बी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, जैसे कि CGST एक्ट के अंदर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया हो वही मान लिया जाएगा हमारे सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर अपॉइंट किए गए पर्सन। अब बात आती है कि इन जो ऑफिसर्स की हमने बात की, सारे ऑफिसर्स की, इनके पास पावर्स कौन सी हैं, यानी कौन कौन से काम हैं ये कर सकते हैं, क्या क्या अथॉरिटी इन्हें मिली हुई है। जो ये अथॉरिटी होती है वे डिफाइन है आपकी सेक्शन 5 में। सेक्शन 3 में हमारे ऑफिसर्स डिफाइन थे, सेक्शन 4 में उनकी अपॉइंटमेंट डिफाइन थी, और अब सेक्शन 5 में उनकी पावर्स डिफाइन। उनकी पावर्स क्या क्या हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पावर वो एक्साइज कर सकते हैं। यानी अलग अलग से मैं पावर की बात अभी नहीं कर रही हूँ, वो कौन कौन से काम कर सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एक्ट के जो सेक्शन 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पावर उन्हें मिल सकती है। फर्स्ट उन्होंने बताया है कि आपके जो CGST एक्ट के ऑफिसर हैं उनको पास पावर होगी क्या एक्सरसाइज करने की, वो सारी पावर्स जो भी प्रोवाइडेड हैं बाय CGST एक्ट। यानी CGST ये हमारा सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में डिफाइन है कि वो सारी पावर्स उन सारी कंडीशन और लिमिटेशन के साथ जो भी आपकी CGST एक्ट में बताई गई हैं वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारे ये ऑफिसर्स। ये कौन कौन सी पावर CGST एक्ट में बताई गई है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सबॉर्डिनेट, ये क्या बोलता है कि जो हमारा सेक्शन 5 का सब क्लोज 2 है, यानी हमारा जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि अपनी पावर जो CGST एक्ट के अंदर उन्हें दी गई है उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, उन पावर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर सकते हैं जो उनके सबॉर्डिनेट को प्रोवाइडेड है। यानी अपने सीनियर्स की पावर को वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके नीचे काम करते हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको जो पावर दी गई है, उनको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी उनका यूज़ भी वो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर, ये क्या बोलता है कि हमारा सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि
आपका कोई भी जो कमिश्नर है उसके पास पावर है कि वो कुछ भी कंडीशन लगाकर अपनी पावर अपने किसी और पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो अपनी जो पावर ट्रांसफ़र करेगा, डेलीगेट करेगा, वो किसको कर सकता है? सिर्फ उसी पर्सन को कर सकता है जो उसका सबॉर्डिनेट है, यानी जो उसके नीचे काम कर रहा है, अपने सीनियर को नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रोहिबिट्स यूजिंग पावर बाय एपिलेट अथॉरिटी। हमारा सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 बोलता है कि हमारी एपिलेट अथॉरिटी को भी ये पावर नहीं है कि वो किसी को जो भी पावर जो है उन्हें दी गई है किसी भी सेक्शन के अंदर किसी भी ऑफिसर को, वो उन्हें उस पावर को यूज़ करने से नहीं रोक सकती। यानी जो हमारा सेक्शन 5 है वो बोलता है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं वो सारी पावर जो उन्हें CGST एक्ट के अंदर दी गई है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जो उनकी सबॉर्डिनेट को पावर दी गई है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने सबॉर्डिनेट को अपनी पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं, और अपीलेट अथॉरिटी भी उनकी पावर से यूज़ करने से उन्हें प्रोहिबिट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। अब ये पावर हैं कौन कौन सी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स हैं जो हमारे GST ऑफिसर्स को दी गई हैं अंडर CGST एक्ट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार दोबारा इस सबको पढ़कर देखोगे ताकि आप लोगों को ऑफिसर्स के नाम याद हो जाएं। 2-3 बार आप इन सब ऑफिसर्स के नाम को रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे लर्न हो जाएंगे कि कौन किसके नीचे काम करता है और किस किस के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है। थैंक यू।